नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी Info तो भाई लोग आज की इस वीडियो में फिर से एक नया यू आर एल लेके आऊँगा आपके लिए जहाँ से आप बना सकते हैं हंड्रेड परसेंट बैक लिंक जिससे कि आपकी साइट को काफ़ी हेल्प मिलेगा रैंकिंग में डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने में और ओवरऑल आपकी साइट की डोमेन को स्ट्रॉग बनाने में ठीक है तो साइट आपके सामने खुली हुई है पब डॉट कॉम करके साइट का नाम है सॉरी ओ आर जी ओर जी नाम है साइट का इसका पूरा स्टैटिस्टिक जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको दिखाऊंगा स्पैम स्कोर कितना वो दिखाऊंगा और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है इसको वो आपको बताऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर वीडियो किसी तरह से आपको हेल्पफुल लगेगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका स्पैम स्कोर दिखाता हूँ आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे और ये इसका डी ए सिक्सटी टू है स्पैम स्कोर वन है और बाकी चीज़ आप पी ए इसका तिरपन है ठीक है तो ओवरऑल साइट क्लीन है किसी तरह तो कोई इशू इस साइट पे नहीं है आप बना सकते हैं बेहिचक नो इशू एट ऑल अब साइट की स्टैटिस्टिक की बात करते हैं पब पब डॉट ओ आर जी साइट का नाम है और यहाँ पे लगभग एक लाख चालीस हज़ार मंथली विजिटर्स इस पर आते हैं साइट पे पर कहाँ से आते हैं ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक आगे दिखाता हूँ आपको और इस साइट का जो ये मंथली दिखाए तो 1.52, 1.68, 1.40 लास्ट मंथ का दिखाता है ऑन एवरेज दिखाया तो 40 से 50 एक से डेढ़ लाख डेढ़ लाख के आसपास का मंथली ट्रैफिक ऑन एवरेज आएगा इसका और इसकी आप बात करें स्टैटिस्टिक कहाँ से ट्रैफिक आता है तो आप बाईस पॉइंट क्या बोलते हैं परसेंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो यूके से आता है यूएस से आता है इंडिया से दस परसेंट और ये पता नहीं कौन सा है काबो वारडे का दस परसेंट है जर्मनी से एट परसेंट है रशिया से सेवन परसेंट है तो मेनली हमें ये यूएस का मतलब होता है कि यूएस से अच्छी ट्रैफिक आ रही है मतलब यूएस की साइट है ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं अब इसका नीच के बात के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया सर्च इंजन ये सभी स्पेसिफिकली मतलब मल्टी नीच साइट टाइप का है ये जहाँ से आप इसको हर तरह का मतलब कॉन्टेंट मिलेगा यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको अब मैं जो भी साइट बताता हूँ आपको सिर्फ़ आप उसको बैकलिंग के लिए यूज़ मत कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए कि साइट पे और कहाँ क्या कर सकते हैं इसमें डेटा पब्लिश कर सकते हैं क्या फ़ायदा होगा इसमें कुछ फोरम वगैरह है कि नहीं जहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं ये सभी चीज़ आपको अपने एंड से सर्च करना पड़ेगा वो आपके नीच के हिसाब से होगा ठीक है मेरा काम है आपको बैकलिंक की साइट बताना जहां से आप बैकलिंग उठा सके उसके बाद उस साइट को एक्सप्लोर कीजिए आप अपने एंड से कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं बहुत ऐसी साइट होती हैं जहां पे आप सिर्फ बैकलिंक की बजाय और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपके साइट पर ठीक है तो वो जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा अपने एंड से जैसे कि इसमें है क्रिएटिव और कम्युनिटी ठीक है यहाँ पे कम्युनिटी बना सक, बनाने का ऑप्शन है कम्युनिटी बना के कैसे यूज़ करना है यू फिगर इट आउट देखिए अपना दिमाग लगाइए इसलिए कहा था कि ए टाइम टेकन होता है इसमें टाइम लगता है आप एक बैकनिंग बना लीजिएगा तो साइट रैंक नहीं करेगा लेकिन आप उसको सही तरीके से रैंक कराने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली रैंक करेगा ऐसे ही लोग रैंक करा रहे हैं और हमारी साइड भी रैंक होती है इसमें कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है लॉगिन और साइनअप पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर जैसे लॉग इन साइनअप पर क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन देगा डोंट हेप अप ये अकाउंट क्लिट साइन अप यहाँ पर आप पहले साइन अप कीजिएगा यहाँ पर पहले ई एड्रेस मांग रहा है तो आप अपना ई एड्रेस जो वैलिड है वो दीजिएगा ठीक है सैनअपे क्लिक कीजिए सिर्फ ईमेल एड्रेस मांगने का मतलब ये है कि देखिए एक मेल भेजेगा आपकी आई डी पर हाँ देखिए अभी अभी आ गया है इसका ये क्या बोलते हैं मेल अब इसको हम जाके यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट करते हैं अकाउंट को अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद ये आपका ईमेल एड्रेस फुल नेम ये सब रिक्वायर्ड मांग रहा है आपको देना पड़ेगा इसी में आपका बन जाएगा ये ठीक है यहाँ पे नाम रख दीजिए जो भी आपका है पासवर्ड डाल लीजिए जो भी आपको सही लगता है फोटो डालना फोटो डाल सकते हैं ये सभी बायो छोड़िए यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए वेबसाइट में आप अपने साइट का लिंक डालिए यहाँ पे जैसा कि मेरी साइट है यहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप चाहें तो अवील कर सकते हैं कोई भी और यहाँ पे ये डाला लोकेशन वगैरह ट्विटर फेसबुक ये सभी चीज़ का आप हैंडल डाल सकते हैं बायो में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैं कहूँगा कि आप जो भी प्रोफाइल बनाइए फुल फ्लेज बनाइए ऐसा नहीं कि कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया और आधा अधूरा काम किया वो फुल फ्लेज बनाइए आप जितना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं डाल सकते हैं यहाँ पे आई हैव रेड अग्रीमेंट कर दीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सकते हैं और फाइनली सभी डेटा डालने के बाद आप इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आप यहाँ इसको थोड़ी सेव नहीं करेंगे अभी फिलहाल गलत आ रहा है डिटेल यहाँ पे वी योर प्रोफाइल पर जाइए वी योर प्रोफाइल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका लिंक दिख गया ठीक है यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि डू है फिर नो फॉलो वेबसाइट है लिंक यहां यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गायब है कर्सर को उठाए यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नो फॉलो का कोई हिसाब किताब नहीं है ठीक है यहाँ पे ये आइकॉन वूकॉन आ रहा है आइकॉन पे भी है और इस पे भी है ठीक है यहाँ पे नो ओपनर नो रेफरल करके है ये अलग चीज़ होता है नो फॉलो अलग होता है ठीक है तो अगर नो फॉलो लिखा रहेगा तभी वो नो फॉलो होगा बाकी कोई भी टाई होगा तो वो डू फॉलो होगा ठीक है आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि खुल नहीं आपकी साइट खुल जाएगी यानी कि कन्फर्म है कि आपको यहाँ से एक डू फॉलो बैटलिंग मिल गया है अब इसको कैसे इंडेक्स कराना है वो आप देखिए इंडेक्स कैसे कराना है उसकी वीडियो मैंने डाला हुआ है कि हाउ टू इंडेक्स ए वीडियो और इंडेक्स और बैक लिंक आप मेरा चैनल में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में सर्च कीजिए तो भी मिलेगा ठीक है तो ये तरीका है आपको यहाँ से डिफॉल्ट बैकलिंग बनाने का तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा स्टेप क्या है बहुत ईजी स्टेप है ज़्यादा कुछ काम झाम नहीं है किसी तरह का कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिला है हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं मतलब कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा कोई कमी हो कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए और जो लोग नया है जो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय टेक केयर